आती है थर्ड फेस पैक की। डोंट वरी, सारी चीजें आपको ना घर पे ही मिल जाएंगी। इसमें आपको लेना है पोटैटो जिसको हम आलू कहते हैं, रोज वाटर मतलब गुलाब जल, और लेमन मतलब नींबू। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आलू लेना है, उसके छिलका उतारना है, उसको हल्के से मैश करना है कच्चे आलू को, और उसमें आपको थोड़ा सा रोज वाटर बनाना है, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा नींबू भी मिलाना है। आप क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको कितना चाहिए, फेस पे ही लगाना है तो थोड़ा सा आलू काफ़ी होगा आपके लिए। एक स्पून जो है, एक स्पून के उससे भी कम आपको गुलाब जल लगेगा, और आधा स्पून आप जो है नींबू यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैश करके, अच्छे से मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। अब बारी आती है इसके फायदों की, कि फायदे क्या हैं। तो पहले बात करते हैं आलू के पोटैटो की। तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी होती है और एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से स्किन जो है ब्राइटन होती है, मतलब आपका स्किन टोन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ये टीबी पेशेंट के लिए जो है हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो है काफ़ी डल हो जाती है, काली हो जाती है, तो ये सारे फेस पैक जो है उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करता है, डेड स्किन सेल्स जो होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। तो आपको पता ही लग रहा होगा कि कितने इसके फायदे हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं गुलाब जल पे। गुलाब जल क्या करता है, गुलाब जल एज अ स्किन टोनर भी काम करता है। आप इसको यूज करके स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं, एज वेल एज इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, जैसे पिंपल्स हुए होते हैं या स्किन लूज हो गई तो यहाँ पे पोर्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको भी ये टाइटन करता है। इसके अलावा लेमन पे मूव करते हैं। लेमन का तो आपको पता ही है विटामिन सी होती है, एंड अभी जस्ट मैंने बताया आपको ये आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। तो इस फेस पैक को भी आप घर पे ही यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है तीनों फेस पैक बनाना। अब नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ एक बोनस टिप। अगर आपकी स्किन ड्राई रह रही हो और आपको लगता है कि यार मॉइस्चराइजर मार्केट से खरीदना बड़ा महंगा है, या जो भी रीज़न है आप नेचुरल यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट जो है वो है कोकोनट ऑयल। अब मतलब आप मानोगे नहीं, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लाइक इट्स लाइक 10 ईयर्स मैं तब से कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल, और ये बहुत अच्छे से जो है मेरी स्किन को हाइड्रेट रखता है, और वो चिपचिपापन बोलते हैं ना, चिपचिपा हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। सो गाइज, ये तीन फेस पैक मैंने आपको बता दिए, साथ में एक दे दी बोनस टिप। और वीडियो को लाइक करना तो गाइज बनता ही है, और इन सारी होम रेमेडीज, होम फेस पैक को जो है आप ट्राई कीजिए, और डेफिनेटली आपको जो है अपने स्किन में, अपनी फेस पे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ही हो जाएगा, ये क्या होता है थोड़ा लॉन्ग रन में लेके चलना पड़ता है, आपको जो है लॉन्ग रन में इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, तभी आपको जो है इसके रिजल्ट दिखते हैं। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। और यस गाइस, मेरी बाकी वीडियोस को, मेरी मिनी ब्लॉग को भी खूब सारा प्यार दीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ अपने आप को, हर चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूँ, आप लोगों की हेल्प करूँ, लाइफ ऑफ टीवी सर्वाइवर आपको दिखाऊँ। सो अपना प्यार दीजिएगा, और मैं इसी तरह मेहनत करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक सी यू, बाय बाय।